हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये बेटे का हेयर कटिंग, मैं दिखाऊंगी तो कैसे आप सिंपल तरीके से घर में अपने बच्चों का ऐसे हेयर कट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखते जाइए और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो आप देखते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो साइड हो गया था तो मैं इसे इस तरह देखिए, और थोड़ा छोटा जो है तो उसे साइज कर लेते हैं। ये देखिए नीचे का बहुत सारा बाल है, बहुत ज़्यादा बाल हो गया था उसका, तो ये जो छोटा छोटा और बड़ा बड़ा बच गया है उसे मैं साइज कर रही हूँ इस तरह देखिए। और वो अच्छे से भी दिखाता है, बिल्कुल रोता नहीं है, बहुत ही अच्छे से दिखाता है। और ये देखिए इस प्रकार नीचे को मैं इस तरह पहले कर रही थी, फिर सोची कि नीचे का साइज कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए इस प्रकार पहले नीचे का बहुत ज़्यादा जो लंबा लंबा बाल है उसे काट लेते हैं। इस प्रकार काट लेने के बाद फिर हम उसे छोटा छोटा कर लेंगे। इस प्रकार कंघी से उसे हमें इस तरह कंघी के भी कर लेना है, और फिर हमें इसे इस तरह साइज कर लेना है। पहले नीचे का साइज कर लेंगे, फिर जो ऊपर के हिस्से को इस प्रकार देखिए हमें काटना है। और ये देखिए मैंने पीछे का भी इस तरह काट ली हूँ और इसे दिखाई भी नहीं, और देखिए इस तरह वीडियो तो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए चारों ओर इस प्रकार ही काट ली हूँ जिस प्रकार ये साइड को काटा था। तो सारे ओर काटने लेने के बाद फिर ये जो बीच का रह गया है, तो बीच का थोड़ा आप बड़ा रखना चाहते हो तो इसे उसी हिसाब से काटिएगा। और ये देखिए मैं इस प्रकार पहले ये आगे का बाल को जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है उसे पहले साइज कर लेती हूँ, फिर उसे छोटा छोटा कर लेंगे। तो फिर आप वीडियो को देखते जाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। तो आप वीडियो को देखते जाइए इस प्रकार।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेस का भी मैं काट ली हूँ, छोटा छोटा कर ली हूँ और थोड़ा साइज कर रही हूँ जो बड़ा बड़ा बच गया है। और आपको अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा रखना है तो आप उसी हिसाब से काट लीजिएगा, बस साइज कर लीजिएगा थोड़ा बेस का, तो दोनों तरफ से छोटा छोटा कर लीजिएगा और बीच का थोड़ा बस साइज कर लीजिएगा जितना भी बच गया होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा बार काटना ना पड़े, तो इसीलिए मैं ज़्यादा छोटा छोटा कर लेती हूँ और बच्चों का भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा छोटा छोटा कर लेती हूँ। तो आप उसी हिसाब से रखिएगा जैसे आपको पसंद हो। और ये देखिए इस प्रकार मैं और थोड़ा सा साइज कर रही हूँ बस, फिर ये हो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार ये हो गया है, तो देखिए फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।